डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी मांग की लोच की, और उसमें हमने पढ़ा था मांग की लोच का जो सूत्र है वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, या मांग में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक कह दो या प्रतिशत परिवर्तन कह दो, बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, तो उसमें हमने कल एक प्रश्न दिया था मैंने आपको, यानी इसको सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 अपॉन P1 माइनस P0 अपॉन P0। अब इसमें अनुपात प्रतिशत परिवर्तन निकाल रहे हो तो 100 कर दो इंटू 100, और अगर आनुपातिक निकाल रहे हो तो यही रखो। ठीक है, तो ये हमने सूत्र किया था, और हमने प्रश्न दिया था कि यदि कीमत, वस्तु की कीमत बराबर P0 क्या है, 4 रुपये। ठीक है, 4 ही थी कीमत, 4 है, और परिवर्तित कीमत जो है यानी P1 क्या है, 10 रुपये। ठीक है, और अगर Q1 प्रारंभिक मांग जो है वो क्या है, 6 इकाइयां हैं, और Q जो है परिवर्तित मांग क्या है, परिवर्तित मांग है 4, Q0 क्या है 6, और परिवर्तित मांग जो है वो क्या हो रही है 4 इकाइयां। ठीक है, कीमत जब 4 रुपये थी तब मांग, वस्तु की मात्रा जो है 6 मांगी जा रही थी, कीमत जब बढ़ करके 10 रुपये हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो गई, 4 इकाइयां, तो मांग की लोच निकालनी थी। तो इसको सूत्र में हमने रखा था कि Q1 क्या है, Q1 4 माइनस 6 अपॉन Q0 क्या है 6, बटे प्राइस क्या है आपके P1 क्या है 10 माइनस 4 बटे प्रारंभिक मांग क्या है 4। ठीक है, बराबर 4 माइनस 6 कितने हो गए, माइनस के 2/6 अपॉन 10 में 4 गए 6/4। ठीक है, चाहो तो प्रतिशत निकाल सकते हो, नहीं तो फिर इसको गुणा उल्टा कर सकते हो कि जो परिवर्तित करने पर ऊपर आए तो क्या होगा, माइनस के 2/6 इंटू 4/6। ठीक है, तो काट दो इसको, 2 माइनस का 1 और 3। ठीक है, और 2 का हो गया 2 दूनी 4 और 2 3 6 बराबर माइनस के 2 2 × 9। ठीक है, 2/9 हो गया, तो क्या होगा अगर इसको इंटू 100 से करें तो कितना होगा, 2/9 कितना होगा, 3/7 कैसे आ रहा है इसमें, प्रश्न चेंज है क्या, 7 रुपये है क्या ये कीमत, कीमत 4 लिखाई या 7 लिखाई, 4 लिखाई क्या, हाँ तो 4 लिखाई, तो क्या होगा, जब कीमत 4 रुपये है तो मांगी जाने वाली मात्रा 6 है, जब कीमत 10 रुपये हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा जो है वो 4 हो जाती है, तो इसमें क्या होगा, बराबर माइनस 2 का भाग दे दो 9 में, तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 माइनस के 0.2, 9 × 2 = 18 बच गए 2, और फिर 0.22, इसका मतलब मांग की लोच क्या होगी, 0.22। जीरो पॉइंट चार पाँच कैसे आए, 0.22 हो गई ना, यानी 21 से कम, 1 से कम हो रहा है, इसको काटा कैसे, माइनस 2/6/6/4, 4/6 कैसे आएगा, 10 में से 4 गए 6 और 4 का 4। ठीक है, तो उत्तर 0.22 का मतलब क्या हो गया, 21 से कम, जब 1 से कम आगे हम मांग के लोच की जो श्रेणियाँ पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि 1 से कम है, इसका 0.22 का आने का मतलब क्या, 1 से कम है, या तो मांग 1 होगी या 1 से अधिक होगी या फिर 1 से कम होगी, तो ये 1 से कम है। ठीक है, तो ये मांग की लोच निकालने का हमने जो है तरीका पढ़ा था, आपको सूत्र में याद रखना है। देखिए, इसको प्रश्न आपके जो है किस टाइप का आ सकता है, बिल्कुल सिंपल है लेकिन प्रश्न का तरीका अलग अलग होता है, तो मैं आपको 2-3 टाइप के प्रश्न इसमें करा दूँ। तो एक तो प्रारंभिक सीधा ही पूछ ले, प्रारंभिक कीमत इतनी है, परिवर्तित कीमत इतनी है। ठीक है,
एक प्रश्न आपके और अलग टाइप का दे रखा है, यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये से बढ़ के 20 रुपये हो जाए, कीमत 10 से बढ़कर 20 हो जाए, किसी वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर 20 रुपये हो जाए, तो मांग 70 इकाइयों से घटकर 35 इकाइयां हो जाती है, वही उदाहरण है, आधे हो जाती है, ठीक है। तो मांग क्या होती है, 35 से घटकर 70 से घटकर 35 इकाइयां हो जाती है, 35 इकाई, ठीक है। तो मांग की लोच ज्ञात करो, तो सूत्र में रखेंगे क्या होगा, सूत्र इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0 बटे Q0 अपॉन P1 माइनस P0 अपॉन P0। Q1 क्या होगा, यानी परिवर्तित मात्रा कितनी है 20, 20 माइनस प्रारंभिक मांग कितनी है 70। Q1 क्या है, 70 माइनस 35 बटे प्रारंभिक मांग कितनी है 70 बट अपॉन P1 क्या है, 10 से बढ़ के 20 रुपये हो रही है, तो ये P1 हो गया, तो 20 माइनस 10 बटे हुए प्रारंभिक कीमत क्या है 10, तो करेंगे इसको 70 माइनस बराबर 35 बटे 70 में 35 गए 70 बटे 35 बटे 70 अपॉन 20 में 10 गए क्या था, Q1 35 माइनस 70 आएगा ना, Q1 35 है ना, हाँ, तो 35 माइनस 70 बटे 70, 70 से घटकर है ना, तो माइनस के 35 हो गए, माइनस के 35 बटे 70 अपॉन 20 में 10 गए 10 बटे 10, तो क्या होगा, या तो इसको ऊपर ले आओ, तो माइनस 35 बटे 70 गुणा 10 बटे 10 बराबर 350, 100 से 100 कट गए बराबर माइनस के 35 बटे 70 बराबर 1 बटे माइनस के 1/2, ठीक है, या 0.5 माइनस में आएगा उत्तर, तो हमेशा तो माइनस के 0.5 हो गया, इसका मतलब इकाई से कम, एक से कम है तो 0.5 है, तो एक तो इस तरह सीधा ही है कि कीमत दुगुन हो रही है तो मांग आधी हो रही है, ठीक है, तो आधा आएगा 0.5, ठीक है। तो जितनी कीमत डबल हो गई तो मांग आधी रह गई, तो इसका उसका 0.5 में आएगा, ठीक है। तो एक इस टाइप का प्रश्न आ सकता है, आपकी किताब के पीछे भी दे रखे हैं, उसको आप हल करना है। एक है अगर कीमत में 10%, देखिए सीधा ही प्रतिशत दे रखा है, पर यदि कीमत में, एक इस टाइप का प्रश्न आ सकता है, यदि कीमत में 10%, कभी कभी प्रतिशत दे रखा होता है, सीधा निकालने की जरूरत नहीं होती, 10% परिवर्तन से मांग में 20% परिवर्तन, 20% परिवर्तन हो जाता है, दोनों के प्रतिशत परिवर्तन दे रखे हैं, तो लो मांग की लोच ज्ञात करो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधा सूत्र में रख दो, कीमत में 10% पर, तो सूत्र क्या होता है, मांग का लोच का बराबर कीमत में आनुपातिक का हो या प्रतिशत परिवर्तन का हो, तो यहाँ प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटे मांग में प्रतिशत या आनुपातिक, कह दो एक ही बात है, आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, तो यहाँ पर सीधा ही दे रखा है आपको, तो क्या रखना है, सीधा रखना है सूत्र, कीमत में 10% और मांग में 20, तो 20 बटे 10, तो 10 से 2 कट गया बराबर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई 2, इकाई से अधिक 2 हो गई, ठीक है। तो सीधा प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सूत्र में रख दो, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है, अरे उल्टा सूत्र लिख गया, हाँ सॉरी, मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, तो मांग में आनुपातिक, मांग में कितना हो रहा है 20, सही है, ये तो सही रखा, और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन क्या हो रहा है 10%, तो 20 बटे 10 बराबर मांग की लोच है 2, इक्कीस से अधिक,
ठीक है, तो एक इस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है। फिर आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, सूत्र में रख दो, मांग ऊपर रख दो, कीमत नीचे रख दो, ठीक है। एक इस टाइप का हो सकता है, मतलब सूत्र याद होगा तो आपको दोनों ही आ सकता है, ठीक है। एक इस टाइप का प्रश्न आ सकता है, देखिए यदि कीमत में 10% गिरावट, या प्रतिशत दे रखा है, 10% गिरावट से मांग 10 इकाइयों से, या एक इकाई दे रखी है, 1% दे रखा है, 10 इकाइयों से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है तो लॉज ज्ञात करनी। देखिए 1% दे रखा है, 1 में इकाई दे रखी है, ठीक है। कीमत में गिरावट कितनी, 10%, और मांग में 10 से बढ़ के 14 हो रही है कीमत, तो सूत्र क्या रखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन बटे अपॉन कीमत में प्रतिशत कहो या आनुपातिक परिवर्तन कहो, प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए 1 में प्रतिशत दे रखा है, सीधा ही निकालने की जरूरत नहीं है, 1 में निकालना है तो सूत्र के रूप में क्या होगा, बराबर इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ Q1 माइनस Q0 बटे Q0 इंटू 100% दे रखा है ना, बटे P1, अब इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, कीमत में 10% गिरावट दे रखी है, सीधा ही 10% रख दो, इसको सूत्र लिख देते अपन, P1 माइनस P0 बटे P0 इंटू 100, तो ये सीधा ही दे रखा है नीचे वाला प्रतिशत, गणना करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले को प्रतिशत में बढ़ाना है, तो निके PO1 क्या होगा, 10 से बढ़ करके 14 इकाई हो जाती है, तो Q1 क्या हो गया, Q0 क्या हो गया, 10, और Q1 क्या हो गया, 14, ठीक है। तो सूत्र रख दो, 14 माइनस 10 बटे प्रारंभिक कीमत क्या है, मांग क्या है, 10 इकाइयों से बढ़ के बटे सीधा ही प्रतिशत दे रखा है 10%, निकालने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत दे रखा है सीधा ही, बराबर 14 माइनस 10 4 बटे 10 10% दे रखा है सीधा, ठीक है। तो 4 ये ऊपर आ जाएगा, तो 4 बटे 10 इंटू इसको 10% को कैसे लिखेंगे, 10 बटे 100, भाई 10% क्या लिखते हैं, 10 बटे 100, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 से कट गया 10 बार और 10 चौक 40, 40 बटे 10 बराबर 4, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई, 4 इकाई से अधिक, ठीक है। एक इसका मतलब, एक तो प्रतिशत दे रखा है तो प्रतिशत के प्रतिशत रख दो, प्रतिशत मतलब 10% का मतलब 10 बटे 100 कर दो, ठीक है। तो 10 बटे 100 कर दिया हमने, और ये ऊपर वाला निकालना है तो ऊपर की कैलकुलेशन हो जाएगी, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और इसमें देखा है, उसको भी अपन हल कर लेते हैं, कि यदि कीमत में 50% वृद्धि से, कीमत में 50% गिरावट की जगह वृद्धि कर दो इसको, 50% वृद्धि से मांग 100 इकाइयों से 75 इकाइयां रह जाती है, मांग कितनी रह जाती है, 100 इकाई से 75 इकाइयां, ठीक है। तो मांग 100 इकाइयों से घटकर कितनी रह जाती है, 75 इकाइयां, तो वो इसी टाइप का प्रश्न है, इसमें कीमत में प्रतिशत दे रखा है तो ये सूत्र रख देंगे, ऊपर वाला रख दो, मांग 100 इकाइयों से गिरकर, तो Q0 क्या है, 100, Q1 क्या है, 75, तो सूत्र रख दो,
क्यू वन माइनस क्यू जीरो बटे क्यू जीरो इंटू सो अपॉन पी वन माइनस पी जीरो बटे पी जीरो इंटू सो। अब तो इसमें किस में प्रतिशत कीमत नीचे वाला दे रखा है, ऊपर वाला करना है, तो क्या होगा Q1 क्या है 75 माइनस 100 बटे प्रारंभिक कितनी है 100 अपॉन इसमें प्रतिशत 50% दे ही रखा है, प्रतिशत दे रखा ही है, तो क्या लिखेंगे बराबर 75 में से 100 गए माइनस के 25 बटे 100 अपॉन 50% को क्या लिखेंगे 50 बटे 100 बराबर क्या होगा माइनस के 25 बटे 100 इंटू 100 बटे 25 100 बटे सॉरी 50 काट दो 100 से 100 कट गए 25 माइनस का 1 और माइनस 2 बराबर माइनस का 1 बटे 2 बराबर 0.5 ये क्या हो गई 0.5 ठीक है। तो प्रश्न आपको ये सूत्र रहेंगे तो सूत्र में मान आपको निकल जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया मांग की लोच। कल वाला जो मैंने प्रश्न दिए थे उसको आपको ये आज मैं आपको एसडब्ल्यू में दूंगा, वो आपको करके बताने हैं, तब फिर जो है आगे के अगर देखेंगे अपन। साफ नहीं हो रहा है, देखिए अब नया टॉपिक कर शुरू करते हैं, मांग की लोच की श्रेणियां। मांग की लोच की श्रेणियां, मांग की लोच कितने श्रेणियों में होती, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मांग की लोच की जो है 5 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है, 5 श्रेणियां होती है। मांग की लोच निकालने की 5 तरीके से मांग की जो है लोच की श्रेणियां होती है। पहला जो है पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, इसको अपन लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनडेफिनेट अनंत। किसका चिन्ह है ये, अनंत का, ठीक है। दूसरे प्रकार की होती है लोचदार मांग, लोचदार मांग, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। लोचदार मांग यानी मांग की लोच अधिक होती है 1 से अधिक, ठीक है। इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा है तो ये लोचदार मांग कहलाएगी। तीसरे प्रकार की इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, यानी ईडी इज इक्वल टू 1। इकाई के बराबर लोचदार को क्या कहेंगे, इकाई ईडी बराबर 1, तो जितनी मांग है उतनी कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो इकाई के बराबर लोचदार मांग बोलेंगे इसको। चौथा बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग, यानी ईडी इज लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1। और पांचवा है शून्य लोचदार मांग, शून्य लोचदार मांग। वैसे तो मांग की लोच की 3 ही श्रेणियां होती है मुख्य रूप से, तो लेकिन
अलग अलग विद्वानों ने मुख्य रूप से इसको पांच श्रेणियों में बांटा है। तो शून्य लोचदार मांग होगी ईडी इज इक्वल टू जीरो। देखिए लोच की श्रेणियां किस आधार पर विभाजित की जाती, श्रेणियों का मतलब हो गया कि हम देखते हैं कि कई वस्तुएं ऐसी होती है जो मांग में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। कीमत में अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, जैसे पेट्रोल है, ठीक है, तो थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें मांग में कितना भी परिवर्तन, कीमत कितनी बढ़ जाए घट जाए, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है लेकिन मांग में थोड़ा परिवर्तन। तो इसके आधार पर मांग को हम क्या है, पांच श्रेणियों में विभाजित करते हैं। इसके डायग्राम बनेंगे आपके एक एक करके, और आपको याद रखना है कि मांग की लोच की कितनी श्रेणियां होती है, पांच श्रेणियां होती है। कौन सी? पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, परफेक्ट पूर्णतया, ठीक है। तो पूर्णतया लोचदार मांग एक एक करके पढ़ेंगे, फिर लोचदार मांग, इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है, इकाई के बराबर लोचदार मांग, और बेलोचदार मांग, और शून्य लोचदार मांग। तो पांच तरह की जो है मांग की श्रेणियां होती है। तो आपको एक एक करके जो है हम इसका अध्ययन करेंगे, इसके एक एक डायग्राम जो बना करके इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली मांग होती है पूर्णतया लोचदार मांग। इसका चिन्ह जो होता है वो ईडी जो है इनडेफिनेट होता है, अनंत। तो सबसे पहला हम लिखते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। देखिए पूर्णतया लोचदार मांग का मतलब हो गया कि लोचदार का मतलब पूर्णतया लोचदार, यानी कीमत में बहुत कम परिवर्तन होने पर भी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, या कीमत स्थिर रहती है तो भी मांग में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ लिखते हैं कि पूर्णतया लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं जिस पर प्रचलित कीमतों पर, या जो बाजार में जो कीमतें प्रचलित है, प्रचलित कीमतों में प्रचलित कीमतों पर मांग की लोच अनंत होती है, अनंत होती है। ये आपके सिंबल भी, चिन्ह भी है। प्रचलित कीमतों पर मांग की लोच अनंत होती है, अर्थात इसको दूसरे तरफ शब्दों में भी लिख सकते हैं, अर्थात कीमतों के स्थिर रहने पर भी, कीमतों के स्थिर रहने पर भी वस्तु की मांग मात्रा घटती या बढ़ती रहती है, वस्तु की मांग मात्रा घटती या बढ़ती रहती है, घटती या बढ़ती रहती है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए कि कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हो फिर भी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, कीमत वो की वही है। जैसे पाँच रुपये का बिस्किट है, और पाँच रुपये का बिस्किट पाँच रुपये में बिकता है, फिर भी कभी कभी मांग तेज़ी से बढ़ जाती है और कभी कभी मांग तेज़ी से घट जाती है, कीमत का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसी मांग को कह रहे हैं पूर्णतया लोचदार मांग। अगर अब कीमत में स्थिर, यानी कीमत स्थिर है तो भी मांग में परिवर्तन हो जाता है, और अगर कीमत थोड़ी सी बढ़ जाए मतलब जैसे 25 पैसे ही बढ़ जाए तो मांग में
तो मांग शून्य हो जाती है, तो मांग शून्य हो जाती है। या तो कीमत अगर थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो भी मांग शून्य हो जाती है, अपने आप ही उपभोक्ता उसको प्रयोग बंद कर दे, ठीक है। तो ऐसी मांग की लोच को क्या कहेंगे, पूर्णतया लोच। अब देखिए सूत्र, इसको जो अपन डायग्राम से समझते हैं, ये हो गई आपके मांग मात्रा, वो एक्सपेक्ट, और ये हो गई आपकी कीमत। अब देखिए कीमत, कीमत क्या कर रहे हैं अपन, कीमत स्थिर है, ये देखिए पी, और मांग मात्रा जो है वो ये है आपके क्यू, ओ क्यू, ठीक है। अब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी मांग जो है वो कभी क्या हो जाती है, घट जाती है, और कभी बढ़ जाती है। कीमत स्थिर है, कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कीमत वो कि वो ये 5 रुपये ही है, जैसे माना कि बिस्किट के पैकेट 5 रुपये, अपने आप ही कभी मांग क्या हो जाती है, घट जाती है, और कभी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसी को पूर्णतया लोचदार, मतलब कीमत बिना परिवर्तन हुए ही मांग जो है बढ़ जाती है या घट जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल जो है इनडेफिनेट, अनंत। ये किसका है, इलास्टिसिटी डिमांड इज इनडेफिनेट। तो ये डी डी मांग वक्र है आपके, डी डी क्या है, मांग वक्र है, कीमत ओ पी है, कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, फिर भी मांग कभी क्या हो जाती है, घट के क्यू जीरो हो जाती है, कभी मांग बढ़ के क्यू वन हो जाती है। तो क्या लिखा है, ये सूत्र पूर्णतया लोचदार का मतलब यही होता है कि प्रचलित कीमतों पर मांग की लोच अनंत हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा, अर्थात कीमतों के स्थिर रहने पर भी कीमत स्थिर ही है, फिर भी मांग मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। और अगर कीमत थोड़ी सी बढ़ जाए, कीमत पी से बढ़ गया, हालांकि बढ़ती ही है, बढ़ भी जाए तो मांग जीरो हो जाती है, कोई मांग नहीं हो, तो इसको पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। अब ये रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र में प्रचलित कीमत ओपी है, क्या है, और मांग क्या है, प्रचलित मांग क्या है, ओक्यू, ठीक है। अगर कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो भी ओक्यू मांग अपने आप ही घट के ओक्यू जीरो, या फिर ओक्यू वन, घट करके ओक्यू जीरो रह जाती है, या कभी मांग बढ़ के ओपी ओक्यू वन हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार कीमतों में बदलाव नहीं होने पर भी मांग बदलती रहती है, कीमत कोई बदलाव नहीं हो रहा फिर भी मांग कभी घटती है और कभी बढ़ती है, तो ऐसी मांग को क्या कहेंगे, पूर्णतया लोचदार, अर्थात कीमत के प्रति मांग क्या होती है, संवेदनशील होती है। कीमत थोड़ा सी बदलाव अगर हो जाए, वैसे कोई बदलाव हो या भी नहीं, मांग इधर उधर होती है, और कीमत बदलाव हो जाए तो मांग में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। तो ये इस प्रकार की मांग पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। आगे हम पढ़ेंगे, बाजार जब पढ़ेंगे ना, जब बाजार पढ़ेंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इस प्रकार की मांग पाई जाती है। उसको बाजार में याद रखना है आपको, बाजार की जो मांग है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है उसकी मांग किस प्रकार की होती है, पूर्णतया लोचदार, मतलब कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा फिर भी मांग कभी घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें कि सभी लगभग जो चीज़ें जिसमें एक नहीं कई तरह के उत्पादक बाजार में वस्तु बनाते हैं, तो उस उनकी मांग वक्र होती है हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, मांग वक्र कैसे होगी, पूर्णतया लोचदार। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए, एक नंबर का प्रश्न आ जाए कि पूर्णतया लोचदार मांग में मांग वक्र कैसा होता है, तो मांग वक्र कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ओ एक्स के समानांतर, किस प्रकार का दिखाई दे रहा है आपको, ओ एक्स के समानांतर एक पड़ी हुई रेखा के रूप में, कैसा दिख रहा है आपको मांग वक्र, ओ एक्स के समानांतर एक पड़ी हुई रेखा के। तो एक नंबर का प्रश्न आ जाए कि पूर्णतया लोचदार मांग में मांग वक्र कैसा होता है, कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ओ एक्स के समानांतर, ये ओ एक्स है, इसके बराबर मिल रहा है आपको, कहीं ऊंचा नीचा नहीं है ना, तो ऐसा है ना ऐसा है, या कहीं ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, ये बिल्कुल पड़ा हुआ है,
ओ एक्स के समानांतर, ओ एक्स के एक समान अंतर से क्या हो रही है, पड़ी हुई रेखा के रूप में होता है। तो आपसे पूछा जाए कि पूर्णतया लोचदार में मांग वक्र, पूर्णतया लोचदार मांग में मांग वक्र कैसा होता है, ओ एक्स के समानांतर एक पड़ी हुई रेखा में। इसका अर्थ पूछ लें कि पूर्णतया प्रतियोगिता बाजार पूर्णतया लोचदार मांग कहता है किसको है, जिसमें कीमतों में कोई बदलाव हुए बिना ही मांग वक्र, मांग जो कभी घटती है और कभी बढ़ती है, तो इसको कहेंगे पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। ठीक है, और पूर्णतया लोचदार मांग वक्र में मांग वक्र कैसा होता है, ओ एक्स के समानांतर एक पड़ी हुई रेखा के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया आपके मांग पूर्णतया लोचदार, समझ में आ गया। परफेक्ट इलास्टिसिटी, परफेक्ट मतलब बिना किसी कारण के परिवर्तन हो रहा है, मांग कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है फिर भी मांग घटती या बढ़ती रहती है। जैसे बाजार में अपन बाजार पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, जैसे बिस्किट का बाजार है, बिस्किट के बाजार में लगभग ब्रिटानिया है, पार्ले है और तो कई तरह के बिस्किट बनाते हैं ना, तो कभी कभी बिस्किट अपने आप ही मांग बढ़ जाती है और कभी कीमत कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन कभी पार्ले की मांग अपने आप ही घट जाती है और कभी अपने आप ही बढ़ जाती है अन्य कारणों से। तो इस प्रकार का बाजार, यानी जिस बाजार में अनेक उत्पादक होते हैं एक जैसी वस्तु बनाते हैं, वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, उसमें मांग वक्र जो है वो कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार मांग होता है। तो मांग के लोच की पहली श्रेणी हमने पढ़ी पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है, अब हम मांग की दूसरी जो श्रेणी पढ़ते हैं, मांग के लोच की दूसरी जो श्रेणी है वो है लोचदार मांग। देखिए लोचदार और पूर्णतया लोचदार में अंतर है। लोचदार मांग वैसे तो तीन श्रेणियां होती है, लोचदार मांग को हम लिखते हैं इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन, एक से अधिक। अब इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होगा, जब मांग में आनुपातिक परिवर्तन, मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा हो, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा हो, परिवर्तन से ज़्यादा हो, यानी कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है मांग में उससे अधिक परिवर्तन हो रहा है, कीमत में 10% परिवर्तन हो रहा है और मांग में 20% परिवर्तन हो रहा है। बात समझ भाई, कीमत में अब पढ़ा ना मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक, यही लोच के सूत्र होता है, जो कीमत जितनी परिवर्तित हो रही है मांग उससे अधिक परिवर्तित हो रही है, तो उसको कहेंगे लोचदार मांग। क्या बोलेंगे इसको, लोचदार मांग। तो इसको किस तरह लिखेंगे कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है या ज्यादा होता है, तो उसे लोचदार मांग, या इसे लोचदार मांग भी कहते हैं, या इकाई से अधिक लोचदार मांग भी कहते हैं, इकाई से अधिक लोचदार मांग। एक से अधिक हो रही है, अधिक लोचदार मांग भी कहते हैं, मांग कहते हैं। सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, सीधी भाषा में, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उससे अधिक अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहेंगे, लोचदार मांग। कीमत में 10% परिवर्तन हो रहा है, कीमत 10% घटी और मांग 20% बढ़ी, कीमत ऑपोजिट चले ना, कीमत 10% घट रही है और मांग 20% घटी, तो 20/10 क्या होगा, बराबर 2, एक से अधिक आ रहा है, एक से अधिक आ रहा है, कीमत 10% घटी मांग 12% बढ़ी, 10 से ज्यादा बढ़ रही, तो ऊपर 12 लिखेंगे नीचे 10 लिखेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 1.2, एक से ज्यादा हो रही,
तो इसे 21 से अधिक लोचदार भी कहते हैं, एक से ज्यादा हो रही है, यानी उत्तर हमेशा एक पॉइंट कुछ आएगा, एक से अधिक आएगा। तो सूत्र क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, लोचदार मांग किसको कहते हैं, कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से ज्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं, 21 से अधिक लोचदार मांग, उसे क्या कहेंगे, 21 से अधिक लोचदार मांग। तो मांग के लोच की दूसरी श्रेणी हमने पढ़े है 21 से अधिक लोचदार मांग, ठीक है। तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसका डायग्राम कैसा होता है और ये मांग कैसी होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।